म्याना तालाब गहरीकरण के लिए समाज सेवियों ने बढ़ाए हाथ। म्याना वासी समाज सेवी पत्रकार बंधु पंचायत सचिव रोजगार सहायक एवं ग्राम वासियों एवं सभी नागरिकों के साथ तालाब में गहरीकरण का कार्य शुभारंभ किया। अपने अपने श्रमदान के साथ इस पहल को म्याना के एक घर तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि जब भी हम मिलकर कार्य करेंगे तो प्रशासन हमारी ओर देखेगा, सरकार भी देखेगी और हम कामयाब हो जाएंगे, कहना है म्याना के समाज सेवियों का। इसी को देखते हुए जल ही जीवन है और इसी जल की बचत करने के लिए म्याना के समाज सेवियों ने बीड़ा उठाया है। थाना प्रभारी डीएसपी सौरभ रत्नाकर एवं थाना स्टाफ अभय व्यास, पंचायत सचिव कृष्ण कुमार रघुवंशी, सह सचिव राहुल शर्मा, लहरघाट पंचायत सचिव मुकेश नामदेव, अध्यापक संघ अशफाक खान, लालजी राम जाटव, पूरन लाल जाटव, सत्येंद्र तिवारी, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, शशिकांत गुपचुप, राजू शर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। गर्मी में चूंकि म्याना में पेयजल की समस्या रहती है, इसमें म्याना के कई समाजसेवियों द्वारा जो है तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने इसमें सहयोग करते हुए संपूर्ण स्टाफ के साथ में तालाब गहरीकरण में सम्मिलित हुआ और इसी तरह ये तालाब गहरीकरण का कार्य लगातार जारी किया जाएगा और जिससे गर्मी में जो है म्याना पेयजल की समस्या से ग्रसित ना रहे। तालाब गहरीकरण का एक विचार आया सभी लोगों के माध्यम से, तो आज सभी लोग इकट्ठे हुए और तालाब में श्रमदान किया। आगे भी ये श्रमदान चलेगा। हम सभी जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसमें हमारी प्रशासन की ओर से सहायता करें और ये श्रमदान अभी प्रतीकात्मक म्याना की जनता, आम जनता, सेक्रेटरी साहब, जिला पंचायत सदस्य महोदय, हमारे प्रतिनिधि, सभी लोगों ने शुरू किया, समाज सेवियों ने शुरू किया, ये आगे भी चलेगा। इसकी हम मदद की गुहार लगाते हैं और सभी ग्रामजनों से अपील करते हैं कि सभी लोग आएं और श्रमदान करें। म्याना से ग्राउंड रिपोर्टर सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट।